नरेंद्र मोदी की एक ही नारा है, विकास 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 और विकास विरासत के साथ। नरेंद्र मोदी जी जात की राजनीति नहीं करते, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ही इस ढंग की राष्ट्रवाद के खिलाफ की बात करते। सीपीआई के उम्मीदवार जो भी हैं, पिछले बार भी सीपीआई के ही उम्मीदवार थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, बेगूसराय को तबाह और बर्बाद किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बेगूसराय संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्य में बेगूसराय में सबका साथ सबका विकास हुआ है। सीपीआई उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उम्मीदवार जो भी हैं, पिछली बार भी सीपीआई के उम्मीदवार थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, बेगूसराय को तबाह और बर्बाद किया है, इसीलिए बेगूसराय की जनता अमन चैन और विकास चाहती है। नरेंद्र मोदी की एक ही नारा है, विकास 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 और विकास विरासत के साथ। जात पात और धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का आरोप है कि जाति की राजनीति ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे? अजीब है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जात की राजनीति नहीं करते, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ही इस ढंग की राष्ट्रवाद के खिलाफ की बात करते। वो करते कि हम परमाणु शस्त्र नहीं रखेंगे, कई ऐसी चीजें हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, लेकिन गिरिराज सिंह नामांकन दाखिल किया है मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में। हमने कहा है सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में बेगूसराय में भी सबका साथ सबका विकास हुआ है, लेकिन राष्ट्रवाद का जो विरोध करेगा वैसे विरोध मत गिरिराज को नहीं। 400 पार की गारंटी को चैलेंज इस बार देश को भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आर्थिक संपदा में आर्थिक संपदा को दुनिया के एक नंबर पर ले जाने के लिए हमने तो कहा था इस बार नरेंद्र मोदी को देश का विश्व गुरु बनाने के लिए 400 के पार हमें करना है, उसमें बेगूसराय और बिहार के 40 की 40। सामने सीपीआई उम्मीदवार है, मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? सीपीआई के उम्मीदवार जो भी हैं, पिछले बार भी सीपीआई के ही उम्मीदवार थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, बेगूसराय को तबाह और बर्बाद किया है, बेगूसराय को रक्त रंजित किया है, हमारी बहनों की मांगे सुनी हुई है, हमारे भाई की मृत्यु हुई है, बेगूसराय का इंडस्ट्रियल एस्टेट हब जो कहा जाता था उसको, फर्टिलाइजर को बंद किया, दौना इंडस्ट्रियल एरिया को बंद किया, थर्मल को तबाह किया, अब वो रिफाइनरी को तबाह किया, नरेंद्र मोदी ने उसे पुनर्जीवन देने का काम किया है, इसलिए बेगूसराय की जनता अमन चैन और विकास चाहती है। नामांकन के पूर्व एनडीए कार्यालय से गिरिराज सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। चौथे चरण में 13 मई को बेगूसराय लोकसभा सीट पर मतदान होना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।